पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जाधव। दिल्ली के कंझावला केस में एक बड़ा मोड़ सामने आया है, जहां अब अंजलि की मौत के जिम्मेदार आरोपियों पर धारा 302 जोड़ी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह मामला हादसे का नहीं है। आरोपियों को मालूम था कि उनकी गाड़ी में कोई फंसा है। दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यानी 12 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की तरफ से लापरवाही की बात कही गई थी। रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले में दिल्ली पुलिस के 3 PCR वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी गई। बताया गया कि लापरवाही के चलते इन तमाम पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। वारदात के वक्त जो PCR वैन में तैनात थी, जिनकी तादाद 3 है, उनमें मौजूद पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। 2 पुलिस पिकेट में तैनात जवानों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंचार्ज यानी DCP को कारण बताओ नोटिस देने का निर्देश भी दिया गया है। इलाके के पुलिस कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जिस वक्त वारदात हुई, उस वक्त कानून व्यवस्था के क्या इंतजाम थे। उचित जवाब न मिलने पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। वारदात की जगह के आसपास के इलाकों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था किए जाने के लिए कहा गया है। इसके पहले बाहरी जिले के DCP हरेंद्र सिंह के अनुरोध पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 5 एक्सपर्ट की एक टीम सुल्तानपुरी पहुंची। विशेषज्ञों की टीम अंजलि की मौत की जांच करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि फोरेंसिक जांच में केस में कुछ अहम सबूत हाथ लग सकते हैं। टीम में 3 महिलाएं, 2 पुरुष हैं। अब देखना होगा कि मामले पर आगे क्या कार्रवाई होगी, 302 धारा लगती है या नहीं।